Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography of sound class 9, production of sound. कि बेटा ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है. कई बार आपने किसी साइलेंट बाइसिकल बेल को अगर आप टच करेंगे तो आपको कोई या मतलब कोई साउंड फील नहीं होगा साइलेंट किसी बाइसिकल बेल से. और अगर यही बाइसिकल बेल को आप रिंग करेंगे तो आपको क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. ओके, अगर आप साइकिल की बेल अपनी बजाएंगे मतलब रिंग करेंगे उसे वाइब्रेट करेंगे, अगर वाइब्रेशन होंगी मेरा कहने का मतलब है तो ही साउंड आपका प्रोड्यूस होगा. और अगर आप रिंगिंग बेल को मान लो बेल आप प्रेस कर रहे हैं पर ऊपर से उसकी मेटलिक कैप को आपने पकड़ लिया तो वो वाइब्रेट करना बंद कर देगी और उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा. तो ये बात काफी क्लियर है कि जब बाइसिकल बेल वाइब्रेट करेगी तभी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी और जब बाइसिकल बेल वाइब्रेट करना बंद कर देगी तो उससे साउंड भी आना बंद हो जाएगा. इस डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब वाइब्रेशन होती है बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है. तो अगली बार अगर आप कोई साउंड सुने तो ध्यान दें कि वो मटेरियल वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो साउंड वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है. ये एनर्जी की वजह से ही ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस होता है किसी बाहरी सोर्स के द्वारा जैसे कि हैंड विंड ये सब. जब भी हम बोलते हैं तो ये हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, तो ये वोकल कॉर्ड्स लगातार वाइब्रेट करती हैं. आप चाहें तो बोल के देखें और अपने थ्रोट को टच करें, इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन को आप फील कर पाएंगे. ऐसे अगर किसी ड्रम की स्किन को या मेम्ब्रेन को आप हिट करेंगे तो भी वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. जैसे ढोल वाला ढोल बजाता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. द बजिंग साउंड ऑफ अ बी और मॉस्किटो वो भी वाइब्रेशन के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है उनके विंग्स के द्वारा. सितार वीणा गिटार इन सब में भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग्स के द्वारा. हमारी जो वॉइस है वो भी वाइब्रेशन के द्वारा, मैंने आपको बताया दो वोकल कॉर्ड्स होती है हमारे थ्रोट में, वो वाइब्रेट करती हैं जिसकी वजह से, जिसका रीजन क्या होता है कि जो एयर आ रही है लंग्स में से. ऐसे ही ड्रम के साउंड को आप सुन सकते हैं जब उसकी स्किन यानी कि मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है. ऐसे ही फ्लूट बांसुरी को भी आप सुन पाएंगे जब जो वाइब्रेशंस होंगी एयर की जो फ्लूट ट्यूब के अंदर एनक्लोज्ड है उन्हें आप सुन पाएंगे. स्कूल बेल का साउंड वाइब्रेशन होती है आयरन या ब्रास प्लेट की जिसे एक हैमर के द्वारा हिट किया जाता है और साउंड जो है प्रोड्यूस किया जाता है. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कोई भी गिटार जिसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वाइब्रेशन के द्वारा या स्ट्रेच स्ट्रिंग्स के द्वारा जब इसे प्लग किया गया. फ्लूट के अंदर साउंड जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है वाइब्रेशन ऑफ एन एयर कॉलम के द्वारा जो उसके अंदर ही एनक्लोज्ड है जब उसमें विंड आप ब्लो करेंगे. किसी भी ड्रम के अंदर आप साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं वाइब्रेशन के द्वारा या उसकी स्ट्रेच स्किन या मेम्ब्रेन के द्वारा जब आप इसे हिट करेंगे स्ट्रक करेंगे. इतना क्लियर है शीना? आई होप. रेडियो या टेलीविजन के द्वारा भी साउंड प्रोड्यूस किया जाता है क्योंकि उसमें एक थिन डायफ्राम होता है स्पीकर के अंदर. काफी सारे केसेस के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट है वो इतना फास्ट वाइब्रेट करते हैं कि आप वाइब्रेशन को अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में भी साउंड वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉग के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. अब क्वेश्चन आता है ट्यूनिंग फॉग क्या है. जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ट्यूनिंग फॉग के अंदर दो स्टील के हार्ड प्रोंग्स होते हैं, उसके जो एंड्स होते हैं उन्हें प्रोंग्स कहते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी. जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी यहाँ पर प्रोंग्स हैं. ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको सामने दिख रहा है ये ट्यूनिंग फॉग है. ठीक है,
इसके लोअर एंड पे इसका हैंडल है जिसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया गया है। जब ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स को आप स्ट्रक करेंगे हार्ड रबर पैड पर, ऐसे रबर पैड है ये, तो ये प्रॉन्ग्स वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा। और बेटा प्रॉन्ग 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेगा ना, जितनी वाइब्रेशन पर सेकंड करेगा, उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे पास अलग अलग 256 हर्ट्स, 512 हर्ट्स, 128 हर्ट्स, ऐसे सारे ट्यूनिंग फॉक लेबोरेटरी में अवेलेबल होते हैं। अगर आपसे ट्यूनिंग फॉक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फिजिक्स लैब में यूज किया जाता है साउंड को सिस्टमेटिकली स्टडी करने के लिए। अगर ट्यूनिंग फॉक कोई वाइब्रेट कर रहा है और ये एक पिथ बॉल है, अगर उससे टकराएगी, ऐसे एक सेटअप हम अगर ऐसा बना लें ऐसा, और ये पिथ बॉल ट्यूनिंग फॉक के वाइब्रेटिंग एंड से टकराएगी तो वो लगातार मूव करेगी। एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को आप एक कंटेनर जिसमें पानी पड़ा हुआ है, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक को अगर एक कंटेनर जिसमें पानी पड़ा है उससे टच कराओगे तो उसके एंड्स जो हैं वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से वाटर में भी वाटर स्प्लैश अप होगा। ओके, तो याद रखना ट्यूनिंग फॉक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सिस्टमेटिकली साउंड को फिजिक्स लैब में स्टडी करते हैं। ये जो वाइब्रेशन होती है ट्यूनिंग फॉक की, ये मैंने आपको बताया ही पिथ बॉल से आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पिथ बॉल जो है वो पुश हो जाती है ग्रेटर फोर्स के साथ, ठीक है। और ऐसे एक एग्जांपल मैंने वाटर वाला बताया, ठीक है ना। ओके, आई होप ये आपको क्लियर है। इसके बाद हम और भी डिस्कशन करेंगे कि और कैसे हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो हम वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स यानी कि सितार के द्वारा साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वाइब्रेटिंग एयर जैसे कि बांसुरी फ्लूट में होता है वैसे भी क्लियर, वैसे भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तबला है, इसकी स्किन को यानी इसकी मेम्ब्रेन को आप बीट करेंगे, हिट करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है, आपको पता ही है। ये अंदर से हॉलो होता है। ये प्लेट्स, इसे मंजीरा कहते हैं हिंदी में या सिंबल्स भी कहते हैं, ये मेरे पास भी पड़े हुए हैं, मंदिर में यूज होते हैं ये, ठीक है। वाइब्रेटिंग मैम्ब्रेन्स जो हैं किसी भी ड्रम के अंदर, या वाइब्रेटिंग प्लेट्स सिंबल्स में, ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब हम ये सब डिस्क्राइब करेंगे कि जो साउंड वेव्स हैं वो एयर में प्रोड्यूस होती हैं वाइब्रेटिंग बॉडीज के द्वारा, और साउंड जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडीज के द्वारा हमारे ईयर्स में। अब बात करेंगे साउंड वेव्स इन एयर की। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, साउंड वेव्स जो एयर में है उनमें लगातार कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं एयर के। कंप्रेशन बेटा एक ऐसा रीजन होता है जहां एयर मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और रेयरफैक्शन ऐसा रीजन होता है जहां एयर मॉलिक्यूल्स फर्दर अवे होते हैं। अब इसे एक सेटअप को समझेंगे। ये मान लीजिए फर्स्ट वाले डायग्राम में ओरिजिनल पोजीशन है एयर लेयर्स की, तो देखो प्रॉपर गैप पर है एयर के मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर कंप्रेशन होगा, देखो कंप्रेशन वाले रीजन को देखो, ये कंप्रेशन है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू वन अनदर, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोजर हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे। तो लगातार देखो इसके प्रॉन्ग्स यू नो वाइब्रेट कर रहे हैं, और कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन रहे हैं, जबकि रेयरफेक्शन ये एक ऐसा रीजन है जहां पर मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम वन अनदर, इसके अंदर एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है, याद रखिए। तो मैं, और ये देखिए यहाँ प्रॉन्ग्स लगातार इसके एंड अंदर बाहर हो रहे हैं, तो लगातार ही कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे हैं। तो इस तरीके से साउंड वेव में, मतलब एयर के अंदर भी अगर प्रॉन्ग्स के एंड वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करेंगे कैसे, आपको इन एंड्स को हिट करना पड़ेगा रबड़ पैड के साथ, ठीक है। और जितना 1 सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट करेंगे वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनेंगे, ठीक है। देखिए ये जो, मतलब जो भी मैं बोल भी रहा हूं तो भी लगातार नेक्स्ट एयर लेयर को मेरा साउंड वेव हिट कर रहा है, ठीक है ना, और कंप्रेशन बना रहा है। कंप्रेशन
कॉम्प्रेशन एक रीजन है, एयर मॉलिक्यूल्स पास में होते हैं और ये हाई प्रेशर रीजन है। ये ही कॉम्प्रेशन नेक्स्ट लेयर में पास होता जाएगा वाइब्रेटिंग एयर लेयर्स की, और जो कॉम्प्रेशन है वो ट्रैवल करेगा राइट साइड में, पर जो एयर लेयर है वो मूव नहीं करेंगी, एयर लेयर सिर्फ वाइब्रेट करेंगी बैक एंड फोर्थ सेम प्लेस पर। क्योंकि पिछले डायग्राम में मैंने आपको दिखाया कि ट्यूनिंग फॉक लगातार वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका जो प्रोंग ए था लेफ्ट वाला एंड, वो लेफ्ट साइड में जा रहा है ओरिजिनल पोजीशन से, आप देख भी सकते हैं फिगर में। ये देखो ए वाला एंड यहाँ पर लेफ्ट में जा रहा है और एक बार राइट में जा रहा है, ठीक है। एक बार प्रोंग ए का जो एंड है वो इनवर्ड जा रहा है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर रहा है राइट साइड पर, और जो एयर लेयर्स हैं वो फिर रेयर फैक्शन बना रही है। रेयर फैक्शन जो है एक लो प्रेशर रीजन है, और जो एयर लेयर्स होती हैं वो कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं एयर मॉलिक्यूल्स। तो रेयर फैक्शन राइट साइड में ट्रैवल कर रहा है, पर एयर लेयर पूरी तरह नहीं मूव कर रही, वो वाइब्रेट करेंगी बैक एंड फोर्थ सेम प्लेस पर। तो जो नेट रिजल्ट होगा साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी का, जैसा कि ट्यूनिंग फॉक में हमने समझा, वो वेव सेंड करेगा जिसमें लगातार ही कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनेंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो साउंड वेव्स हैं बेटा एयर के अंदर वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल में एक ऐसा मूवमेंट था बैक एंड फोर्थ, याद है, और ट्रांसवर्स में अप एंड डाउन, अप एंड डाउन राइट एंगल्स पे। ओके, जब भी कोई साउंड वेव पास करेगी एयर में से, तो जो एयर लेयर्स हैं वो वाइब्रेट करेंगी बैक एंड फोर्थ सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से साउंड वेव ट्रैवल करेंगी। आपको ये बात नोट करनी है कि ये जो लेयर्स हैं एयर की, वो मॉलिक्यूल कंसिस्ट करती हैं गैसेस के एयर में। जब हम ये कहते हैं कि एयर लेयर वाइब्रेट करेंगी बैक एंड फोर्थ, तो इससे हमारा मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर लेयर्स के, वो वाइब्रेट करेंगे बैक एंड फोर्थ स्मॉल डिस्टेंस पर। प्रोपगेशन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन की बात करेंगे साउंड की। जैसा कि आपने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट करता है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसके आसपास जो एयर लेयर्स होती हैं वो भी लगातार वाइब्रेट करती हैं सेम वे में, और साउंड वेव्स को कैरी करती हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट से ईयर में। सपोज कीजिए एक ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट कर रहा है और साउंड वेव्स एयर में प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके जो प्रोंग्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। और मैंने पहले भी बताया काफी बार कि ये जो प्रोंग्स हैं, मूविंग प्रोंग्स हैं, ये जो एयर लेयर्स हैं उनको वाइब्रेट करते हैं, और ये नियर बाय एयर मॉलिक्यूल्स को हिट करेंगे, और फर्दर ये सारा साउंड हमारे ईयर ड्रम पे फॉल करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो एयर लेयर्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, ये लगातार वाइब्रेट कर रही हैं एक स्मॉल डिस्टेंस से ऑन ईदर साइड ऑफ देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजीशंस। साउंड ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में, जिसमें वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करता है सेम डायरेक्शन में बाय द मूवमेंट ऑफ साउंड वेव। एग्जाम्पल के तौर पे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन जो होता है एयर लेयर्स में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और साउंड वेव भी ट्रैवल करती हैं उसी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है उसका साउंड हमारे ईयर्स तक पहुंचता है। आपको ये बात नोट करनी होगी, जो ट्रांसमिशन होता है साउंड में एयर के थ्रू, उसमें कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है एयर का। जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी हमारी ईयर तक पहुंचती है, जो एयर लेयर्स हैं वो शिफ्ट नहीं होती हैं, वो बस वाइब्रेट करती हैं आगे पीछे। तो जो साउंड एनर्जी है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाती है हमारे ईयर में पहुंचने से पहले। ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने कई बार देखा होगा, आप गैस टैप को ऑन कर दें थोड़े सेकंड के लिए, तो कोई भी व्यक्ति जो कुछ दूरी पे खड़ा है उसे गैस निकलने का साउंड पहले सुनाई देगा, पर जो स्मेल होगी गैस की वो बाद में फील होगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो साउंड होता है गैस ट्रैवल करने का, वो एयर लेयर की वाइब्रेशन के थ्रू होता है।
तभी वो पहले पहुंचता है। लेकिन जो गैस की स्मेल होती है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर लेयर्स की वजह से होती है, इस वजह से उसमें ज्यादा समय लगता है। आपने ये फील किया होगा, अगर मान लो एलपीजी गैस में ना एक सब्सटेंस होता है बेटा, उसे कहते हैं इथाइल मरकैप्टेन। क्या कहते हैं? मरकैप्टेन। और ये जानबूझ के सिलेंडर्स में जो एलपीजी गैस होती है कहीं लीक हो रही है ना, तो मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि इसकी स्मेल इजिली डिटेक्ट हो जाए और हमें पता लग जाए गैस लीक हो रही है। क्योंकि बेटा ये गैस इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आके या एक हल्का सा स्पार्क के कांटेक्ट में आके भी ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाईली कम्बस्टेबल होती है। तो इसी वजह से उसमें ये केमिकल ऐड किया जाता है। और आपको इस केमिकल, अगर कहीं गैस लीक हो रही है तो आपको वो टैप का साउंड पहले सुनाई देगा गैस का, और उसकी स्मेल बाद में आएगी, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है गैस का जो स्मेल है वो एक्चुअल मूवमेंट से आ रहा है एयर लेयर्स की, तभी उसमें समय लगता है। तो साउंड जो है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर के द्वारा नहीं होता है ट्रांसफर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड और फ्रिक्शन के बारे में। साउंड वेव के मैक्सिमम डिस्टेंस जो किसी भी वाइब्रेटिंग एयर लेयर के द्वारा किसी भी एक साइड पर ओरिजिनल पोजीशन पे मूव होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। मतलब जो क्रस्ट और ट्रो की हाइट होती है ना बेटा, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। वैसे तो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है काफी स्मॉल होता है, फ्रैक्शन होता है सेंटीमीटर का। तभी जो नंबर ऑफ कंप्लीट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन हो रही है एयर लेयर में 1 सेकंड में, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं साउंड वेव की। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव की, जैसे मैंने बताया ना 256 हर्ट्स है, तो इसका मतलब है वो ट्यूनिंग फॉक 256 वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि साउंड को किसी मटेरियल मीडियम, किसी सहारे की जरूरत होती है मूव करने के लिए। ऐसे सब्सटेंसेस जो जिनमें साउंड ट्रैवल करता है उसे मीडियम कहते हैं। जैसे एयर, यू नो, एक मीडियम है। ये मीडियम कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कुछ भी हो सकते हैं। और साउंड को सहारे की जरूरत होती है। पर जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, उन्हें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। बट साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उन्हें मूव करने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है, ये ध्यान रखना। साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड, लिक्विड या गैस में से, पर ये वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। आपको ये बात नोट करनी पड़ेगी कि साउंड वेव्स को ही मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। वैक्यूम बेटा एक ऐसा रीजन होता है वहां पर कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती। अगर किसी कंटेनर में से या किसी रूम में से एयर निकाल लें तो वैक्यूम बच जाएगा। लेकिन वैक्यूम, जैसे स्पेस में अधिकतर वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो वहां पर रेडियो वेव्स की हेल्प से बात होती है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा कई बार, एस्ट्रोनॉट्स भी उसी से बात करते हैं, ठीक है। अब शीना हम बात करेंगे कि साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से। आप अगर कोई ट्रेन बहुत दूर है तो आप इसका साउंड एयर में से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन अगर रेलवे लाइन में ट्रैक पे अगर कान किसी तरह रख लें तो वाइब्रेशन फील होती है। चाहे वो कितनी दूर ट्रेन हो उसकी वाइब्रेशन आप फील कर पाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि साउंड ट्रैवल करता है रेलवे लाइन में से, ट्रैक्स में से। स्टील में लगभग 15 गुना एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा तेज गति से ट्रैवल करता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके घरों में आपने टॉय टेलीफोन यूज किया होगा, जिसमें दो टिन्स को हम कनेक्ट कर देते हैं एक थ्रेड से। तो एक बच्चा जैसे इसमें बात करता है, ऐसे ये ट्रांसमीटर और ये एक रिसीवर की तरह काम करता है, राइट। ये खेला है इससे कभी? ये बहुत इजीली होता है। इसमें एक थ्रेड होता है हॉलो, जिससे साउंड ट्रैवल कर सकता है, राइट। ये सबसे इनिशियल एक्सपेरिमेंट है साउंड के बारे में जो हुए होंगे। अब हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि साउंड जो है लिक्विड से ट्रैवल कर सकता है।
जैसे कि मान लो कोई साउंड मेकिंग टॉय है, उसे स्क्वीकिंग टॉय कहते हैं, उसे आपने एक पॉलिथिन बैग में रखा और उसे होल्ड कर दिया, पानी के अंदर रख दिया, और बकेट के दूसरी साइड आपने अपना कान लगा दिया और फिर टॉय को स्क्वीज किया, बजाया, तो आप उस स्क्वीक का साउंड को सुन पाएंगे। इससे ये पता लगता है कि साउंड वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है जो कि लिक्विड है। ये एक्टिविटी चाहे तो आप कर सकते हैं अगर कोई ऐसा स्क्वीकिंग टॉय आपके पास पड़ा हो तो। इसी फैक्ट को हमने सबमरीन में भी यूज किया है, जो सी के अंडर हिडन होती हैं, उनके जो इंजन्स का साउंड है वो ट्रांसमिट हो जाता है सी वाटर के थ्रू, और स्पेशल हियरिंग एड्स होती हैं, उन्हें हाइड्रोफोन्स कहते हैं, उनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अगर कोई टेलीफोन की बेल आपके घर में बजती है तो इसका साउंड आपको एक डिस्टेंस से भी आ जाएगा, क्योंकि वो एयर के थ्रू ट्रैवल करता है रूम में। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये आपको पता ही है। जब भी आप कुछ बात करते हैं तो आपके सामने साथ खड़ा हुआ व्यक्ति आपकी आवाज सुन सकता है। तो यही जो रेडियो, टेलीविजन, मोटर, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, इन सब का साउंड आप सुन सकते हो क्योंकि एयर के थ्रू ट्रैवल करता है। इन सब डिस्कशन से हमें ये पता लगता है कि साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी में से ट्रैवल करता है। अब हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट समझेंगे जिससे हम ये बात समझेंगे कि साउंड जो है वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं करता है। वैक्यूम का मतलब है एम्प्टी स्पेस, जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है। ये समझने के लिए आपको क्या करना है, मान लो कोई इलेक्ट्रिक बेल है सिंपल सी, उसको आपने किसी एयर टाइट ग्लास जार में रखना है। एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, मतलब एक कोई छोटा फोन ले लो और उसमें कोई गाना प्ले कर दो, एयर में तो आप इजीली सुन पाओगे। उसी फोन को एक बड़े से ग्लास में रखो और उस ग्लास में से सारी एयर है ना, मतलब मुंह पे लगा के सक कर लो, अंदर की तरफ खींच लो, तो फिर रिंगिंग उसका साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। ये एक्टिविटी मैं आपको करके भी बताऊंगा शीना, ठीक है? ओके सर। तो ये ध्यान रखना, बस मैं इतना समझाना चाहता हूं कि वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकता है साउंड, ये बात आप ध्यान रखना। सॉलिड, लिक्विड, गैस से तो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी आप देख सकते हो कि ये कोई रिंगिंग बेल है, अगर ये एयर में है तो साउंड सुन पाओगे, लेकिन अगर ये वैक्यूम में है कि उसी कंटेनर में कोई एयर नहीं है, तो आपको कोई साउंड नहीं सुनाई देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें हमने ये सीखा कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में से तो ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये नॉलेज काफी पहले भी थी। एक बार मैं एक सीरियल देख रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें भी जो राजा था उसने बाहर से ऐसे सिस्टम लगा रखा था। क्या होता था, पहले जो भी राज्य होता था ना, उसके अराउंड फेंसिंग होती थी, बड़ी बड़ी वॉल होती थी, किला होता था मतलब, और अंदर पूरा शहर होता था। तो उसने ऐसे मेटलिक एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा होता, जब भी कोई बाहर का बंदा आता था तो सिक्योरिटी गार्ड जो भी होता था, पहले अब ये नहीं फोन वोन तो थे नहीं बेटा उस समय, तो वो उसी मेटलिक मेटलिक पाइप एक लगा हुआ था डिवाइस, तो वो राजा के कमरे तक जाता था, वहां से गार्ड बोलता था तभी राजा उसे आने देता था अंदर, समझे? या तो वरना सिग्नल देना पड़ेगा, किसी सैनिक को भेजना पड़ेगा परमिशन लेने के लिए। पर मैंने उस सीरियल में देखा था, मतलब इसका मतलब है पहले के लोगों को भी नॉलेज थी इस चीज की। अब क्वेश्चन आता है कि अगर स्पेस में एयर नहीं है, वैक्यूम ही वैक्यूम है, तो एस्ट्रोनॉट्स कैसे बात करते होंगे आपस में? जैसे मून पे अगर ये सेम लेक्चर हम दोनों मून पर होते तो आप कुछ भी ना सुन पाते, आपको बस मेरे लिप्स मूव करते हुए सुनाई देते, तो वहां पर बेटा आपको कैसे बात करनी होगी? रेडियो वेव्स के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू, हमारा ये मोबाइल, ये सब भी रेडियो वेव के थ्रू ही चलते हैं, आपको पता ही है। अब बात करेंगे साउंड की स्पीड की। स्पीड ऑफ साउंड से हमें ये पता लगता है कि साउंड किस रेट से फ्लो करता है और हमारे ईयर्स पे गिरता है। स्पीड ऑफ साउंड के बहुत सारे फैक्टर हैं, ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम जिसमें ये ट्रैवल करता है। जैसे रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होता है 345 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड
distance.